हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जीवन में होने जा रहा है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में आपकी मदद करेगा, जो आपकी लाइफ में खुशी के द्वार ओपन करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है जो आपकी लाइफ को पूर्णतः बदलने में मदद करेगा, आपकी लाइफ में खुशियों को आमंत्रित करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। स्लोविंग डाउन, ओके, चेंज। देखो दो कार्ड क्या कह रहे हैं कि अभी के हालात जिस तरीके से भी चल रहे हैं ना, अगर मान लो कि धीरे 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 करके भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, प्लीज़ परेशान मत होना, प्लीज़ परेशान मत होना। यही धीरे धीरे वाले परिवर्तन भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी यही हाल है गाइस की, मतलब कुछ चीज़ें आपको छोटे छोटे स्तर पर प्राप्त हो रही है, और अगर छोटे छोटे स्तर पर परिवर्तन शो हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है कि को उम्मीद बनाए रखना गाइस, गो विद द फ्लो, ये राह सही है। थोड़ी सी धीरे धीरे चीजें बदल रही है, लेकिन इस तरीके से बदलेगी जो बिल्कुल आपकी कामनाओं के मुताबिक होगी, या आपके मन चाहे होगी। चेंज आपकी लाइफ में वो आने वाले हैं जैसे चेंज आप चाहते हो गाइस, है ना। अभी जो चीज़ें परिवर्तित हो रही है ना, उनको लेकर एक पशुपेश मन में मत रखो, किसी प्रकार का बुरा भाव मत रखो गाइस। अभी यही कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें बदल रही है उन्हें मालिक का फैसला समझ कर ना एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। आगे चलकर वही होगा जो आप चाहते हो, आगे चलकर वही चेंज होंगे जो आप चाहते हो, आप दिल से चाहते हो। सिचुएशन क्या है कि अभी जो बदलाव हो रहा है ना वो आप सर्व नहीं करते, वो आप चाहते नहीं, वो आपके द्वारा एक्सेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। पर समय की मांग यही है कि अभी आपको बस कहते हैं ना गाइस, एक फॉर्मेलिटी के लिए, है ना, या फिर ऐसे अभी जो स्थितियाँ चल रही है ना उनके सहारे सहारे चलो। आगे चलकर वो बदलाव आपको महसूस होंगे, वो बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे जो आप सर्व करते हो गाइस, महापरिवर्तन की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। और ये धीरे धीरे करके जो बदलाव होते हैं ना गाइस, ये अचानक किस प्रकार से धमाकेदार परिवर्तन को लेकर आ जाते हैं, कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाते हैं ये नहीं कह सकते, है ना। चीजें धीरे धीरे करके सडन बहुत बड़े लेवल पर बदल जाएगी, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो एक ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है गाइस, जो केवल मात्र बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित है। तो चेंजेस तो बहुत आएंगे गाइस, परिवर्तन बहुत होंगे आपकी लाइफ में, ग्रोथ को लेकर होंगे। सबसे पहले आप कुछ जोन से बाहर जाकर कुछ काम करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न होगी, है ना। आपका मालिक पर ट्रस्ट बढ़ेगा कि मालिक जो भी कर रहे हैं मेरे लिए वो मेरे लिए उचित है ना। मतलब क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है गाइस कि आपके सोचे अनुसार नहीं हो रही है, थोड़ी सी अलग तरीके से हो रही है, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद में, कहाँ ना, छोटे छोटे स्तर पर चीजें इस प्रकार की हो रही है कि थोड़ा टाइम निकलने के बाद में आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो कि मालिक ने जो मेरे लिए किया ना वो अच्छा किया, मैंने उनकी प्लानिंग को नहीं समझा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी आपको मालिक पर ट्रस्ट रखना है, उनकी प्लानिंग पर ट्रस्ट रखना है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में होने जा रहा है, जिससे आप सहर्ष स्वीकार करोगे कि मालिक कितना प्यारा बदलाव मेरी लाइफ में आया है ना। और मैं इन चीज़ों को समझ नहीं रहा था, मन में शिकायतें भी चल रही थी, लेकिन आप पर विश्वास भी था, विश्वास भी है और हमेशा रहेगा। तो धीरे धीरे करके आपके मन मुताबिक चीजें हो जाना, आपके फेवर में सिचुएशन का हो जाना, आपके दर्द को दूर करने की चीजें तैयार हो रही है ना। आपकी लाइफ की जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए चीजें तैयार हो रही है। इस वजह से कहा जाता है गो विद द फ्लो। सपने में अगर वाटर की एनर्जी एनर्जी नजर आ रही है, तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि मालिक के द्वारा जो फैसले आपके लिए लिए जा रहे हैं ना,
उन्हें एक्सेप्ट करो, थोड़ी हिम्मत रखो। अभी कुछ चीज़ें अलग दिख रही है, आगे कुछ और हो जाएगी। स्ट्रेटेजी चल रही है थोड़ी, हमें बिल्कुल ना मालिक की लीला को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज क्या दिख रहा है, कल क्या हो जाए, है ना जी। तो कभी कभी ना कुछ सरप्राइज जैसे होते हैं ना लाइफ में, उनको सरप्राइज ही रहने देना चाहिए। मून की एनर्जी नजर आ रही होगी, कुछ चीजें हिडन है, सीक्रेट है, और जिन्हें हमें खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि थोड़ा सीक्रेट रहने दो, समय आने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा क्या चीजें बदल रही है और कितना बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ये देखो अभी जस्ट का गोइंग विद द फ्लो गाइस, है ना। परेशान मत हो, एक्चुअल में ये परेशानी का ना थोड़ा समय बन गया है और ये कभी नहीं रहने वाली आपकी लाइफ में। इस परेशानी की नकारात्मकता की कड़ियां है ना, ये टूट रही है और ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ, लाइफ में अच्छा होने की तरफ, स्मूथ लाइफ चल पड़े ना, वहां पर आप पहुंच रहे हो गाइस। लाइफ आसान होने वाली है, बिल्कुल आसान। जहाँ पर ना आप ये कह रहे हो ना कि आपके दिमाग में आता है संघर्ष बहुत है, परेशानियाँ बहुत क्रिएट होती है, लोग सपोर्ट नहीं करते, लोग निंदा बहुत करते हैं, आलोचना के शिकार बन जाते हैं और बेवजह के झूठे आरोप, इससे सबसे ज़्यादा परेशान मालिक ये नहीं सहा जाता। इतने सारे झूठे आरोप लगते रहते हैं और लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते कि कब तक किस इंसान को गुस्सा ना आए, कब तक कोई इंसान सहन करता जाए। एक्चुअल में यहाँ पर वो भाव की सहन करने की क्षमता खत्म हो रही है ना। वहां पर ना बात पीक पर आ गई है, अब नहीं सहा जाता। वही चीजें तो बदल रही है, उन चीजों से, उन आरोपों से आपको बरी करना, आपकी सत्यता प्रमाणित करना लोगों के सामने, खुद ब खुद आपको सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बदलती हुई चीजें जो देखना गाइस, ये समय एक्चुअल में आपके लिए जस्टिस तैयार कर रहा है। साथ में है मिरेकल, है ना। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सोचो कितना प्यारा होगा गाइस, कि एक तरफ हो रहा है आपके साथ जस्टिस और एक तरफ हो रहा है आपके लिए चमत्कार, जो आपको या आपकी लाइफ को किस तरीके से, किस हद तक में बदलता है। फर्श से अर्श का सफर आपको करवाएगा ही करवाएगा। अभी कछुए की रफ्तार से ना चीजें चेंज हो रही है, फिर कितना शीघ्र परिवर्तन होता है वो देखना। यहाँ पर कछुए की एनर्जी है जो अबंडेंस के बारे में भी बात करती है। बेटा काफी सारी चीजें हैं पर्दे के पीछे, हिडन बहुत कुछ है। अगर मून की एनर्जी नजर आ रही है तो मन को बेचैन करने की कोशिश मत करो, इसे इस रूप में भी ले सकते हो अगर अपना नजरिया चेंज करते हो तो, कि मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग हिडन दिखी हुई होगी जो मुझे मिलेगी। अगर मुझे मालिक कह रहे हैं ना कि सारे सारे चलो, जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही है या जैसा जो कुछ भी चल रहा है, आप चलते चले चलो, आपको दुख नहीं होगा। अगर कोई दुख है वो भी खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। इन दौरान में आपको नंबर 3 की एनर्जी डेफिनेटली दिख रही है, डेफिनेटली किसी न किसी रूप में। और ये यही कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में मालिक साथ में है, और मालिक साथ में है तो आपको डूबने नहीं दिया जाएगा, इस बात का ख्याल रखना। समझ रहे हो ना। हीलिंग ये मिलने वाली है आपको, और आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है वो दूर होने वाले का है। हेल्थ से बहुत समय से परेशान हो, खुद भी हो, आपकी फैमिली में कोई और इंसान भी है। हेल्थ को लेकर ना पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं बेवजह की, कहते हैं ना कि कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है, लेकिन फिर भी इशू बनते जा रहा है। मतलब एक पैसा खर्च होने का बहाना आपकी हेल्थ या आपके परिवार में किसी की हेल्थ जो है ना वो बनती है गाइस। ज़्यादा पैसा कह सकते हैं कि बीमारियों पर, दवाइयों पर, यहाँ अगर इन पर खर्च ना हो ना तो कोई और रास्ता निकल जाता है, जैसे कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो खराब हो जाने या कोई और चीज़ ऐसी जहाँ पर पैसा निकलने का सोर्स बने। मतलब एक नेगेटिविटी का आलम जो है ना ये भी आपकी लाइफ पर छा रहा है या अभी चल रहा है गाइस। इसके लिए काम करना गाइस, अगर ऐसी नेगेटिविटी आपको फील हो रही है ना तो एक चीज़ करना, इससे वाकई में बहुत फर्क पड़ता है। उत्तर पूर्व दिशा के कोने में ना घर में एक दिया जला कर रखो गाइस, या कैंडल, मोमबत्ती, जो कुछ भी वहां पर रोशनी करो, है ना। उससे देखो पहले दिन से आपको फर्क नजर आएगा कि लाइफ में थोड़ी नकारात्मकता कम फील हो रही है, ये देख लेना। और अगर काम अटक रहा है, बन नहीं रहा है, वो दिन देखना कितना सही रहता है आपके लिए। पहले दिन से ना आपको अच्छा फील होने लगेगा। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये करने से पहले दिन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा आपके साथ, होने को हो सकता है, वो आपकी किस्मत, लेकिन दिन अच्छा गुजरेगा।
चिंता नहीं रहेगी, परेशानी नहीं होगी, ये चीज़ तो बनेगी गाइस। उत्तर पूर्व कोने में ना, वहाँ पर एक दिया, 10-15 मिनट के लिए भी होगा तो चल जाएगा, वो करके देखना, फर्क पड़ता है गाइस। अलोननेस, ये फील नहीं करना है और इस चीज से बाहर आना है, और इसके बदलाव के समय आया है गाइस, कि जितना अलोन आप फील कर रहे हो ना, इतना कितना झुंड में रहोगे आप, देखना आपके आसपास में ना लोगों की लोग होंगे गाइस। चाहे ये आप कोई काम की शुरुआत करो तो आपके काम को लेकर है, मतलब आपके दिमाग को ना एक बहाना नहीं दिया जाएगा तनाव पालने के लिए, आपके ध्यान को हटाया जाएगा पास्ट की बातों को भुलाने के लिए। तो इन चीजों के लिए व्यवस्था क्रिएट हो रही है कि एक तरफ आपका ध्यान अपने काम, अपनी उन्नति तरक्की पर भी जाए, और आपका ध्यान पास्ट की बातों से हट जाए, जो घाव है ना उनको भरने की तैयारी हो रही है गाइस। आपसे नहीं हो रहा ना कि हमारा तो ध्यान भटक ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर कहाँ जा रहा है, मालिक करेंगे आपके लिए। उस स्थिति पर से आपके ध्यान को हटाने की कोशिशें मालिक के द्वारा होगी, कि आपको कोई खुशी दी जाए, आपका समय, आपका ध्यान आपके काम पर चला जाए, तो अपना आप देखो बदलाव होने निश्चित है गाइस। फिर चाह कर भी आपको समय नहीं मिलेगा, चाह कर भी आपका ध्यान नहीं जाएगा पुरानी पास्ट की बातों की तरफ, या किसी ने कोई शब्द कहे उनके तरफ। आप लेट गो करना, फर्गिव करना स्टार्ट कर दोगे। इसके साथ एक चीज़ ये भी है गाइस, चेंज और गोइंग विद द फ्लो के लिए, कि ये चीज़ जो है ना, ये आपकी लाइफ में परिवर्तन तो तय करती है गाइस। परिवर्तन का दौर लेकर आती आती है अलोननेस से आप ना, मतलब एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पर हैप्पीनेस, जहाँ पर आपके इर्द गिर्द में लोगों का होना, आपके नए फ्रेंड्स बनना, सपोर्टिव लोग मिलना आपकी लाइफ में, खुश रहना, हेल्थ की तरफ से किसी प्रकार का इशू नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? क्योंकि तनाव ही नहीं है, और टेंशन हो ऐसा दिमाग में कोई भावी उत्पन्न ना होना, या ऐसे भावों की तरफ ध्यान ही नहीं जाना, बिजी रहने वाले हो गाइस बहुत ज़्यादा, और अपनी रुचि से, अपनी खुशी से, जबरदस्ती वाला नहीं। जैसा आपके साथ है कि कोई जबरदस्ती या बर्डन देकर आपसे कोई काम करवाने की कोशिश करेगा ना, वो कतई नहीं होता आपसे, वो आप जानकर नहीं करते, लेकिन ये खुद ब खुद आपके आपके द्वारा होता है, कि आप अपने दिल से कुछ काम करते हो ना, वो कितना प्यारा, कितने अच्छे तरीके से होता है। और अगर कोई आपको कह दे ये करना ही करना है, फिर तो कहना ही क्या, फिर वो नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता, फिर वो सिचुएशन ये वाली चलती है धीरे 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 धीरे, वरना अपने मन मुताबिक करते हो ना, फिर वो एक ही बारी में और बहुत अच्छे से होता है। मतलब आप अपने मन के राजा खुद हो, इस स्थिति को समझो, है ना। और ऐसा ही काम या ऐसा ही कुछ समय आपको बिजी करने वाला है ऐसी स्थिति में, जहाँ पर मन के राजा बनकर ना काम करो, और वो फले आपकी लाइफ में, और वहाँ से खुशी मिले, एक मन मुताबिक चीज़ें हो रही है, जैसा मैं चाह रही, मैं चाह रहा हूँ वैसे। और अच्छी बात क्या है, आपके हेड में, सर में जो भारीपन और दर्द रहता है ना, वो छू होना गाइस, इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आपके पेट को लेकर बहुत परेशानी है गाइस, कोई लीवर से संबंधित हो सकती है आपको, या आपका खाना खाया हुआ लगना नहीं, ये भी हो सकता है, या खाने का पाचन आपके अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा है गाइस, सच में, जो कहीं ना कहीं तकलीफ की वजह बन रही है, और ये ठीक होने है ना, ये चीज़ें ठीक होनी है आपके, आपके पिंडुलिया में बहुत दर्द रहता है गाइस, और वो भी समय जो है ना, ये ठीक कर रहा है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू है ना, वो ठीक कर रहे हैं गाइस। देखो मैं एक बात कहूँ, अगर अपनी तरफ से भी आप कोशिश करना चाहते हो ना कि जल्दी ठीक हो जाए, तो एक एक ऑयल के बारे में बताती हूँ गाइस, है ना, कि ये आप घर पर बनाना, और ये बकायदा गाइस चमत्कारी ऑयल है सच में, ये मैंने बनाया है मेरी माता जी के लिए, कभी भी उनके पैरों में दर्द होता है ना, तो मैं ये ऑयल बना कर रखती हूँ, और सच में ये पहली बार आप यूज़ करोगे ना, अपनी पिंडुलियों पर उस ऑयल की मालिश करोगे ना, आपको फ़र्क लग जाएगा, आप जिस भी एज में हो ना, बहुत काम करने वाला है ना। थोड़ा सा बनाना स्टार्टिंग में ना, बहुत कम, आधा कप, 1 कप जितना बना कर रख दो, ये ख़राब होता नहीं है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। सरसों का तेल जो है ना, ये लेना गैस, आधा कप या 1 कप, छोटा थोड़ा सा है ना, ज़्यादा मात्रा में मत लेना, पहले थोड़ी मात्रा में बनाना, ठीक है,
इसे पूरा अच्छे से गरम कर देना, गरम करके साइड में रख दो इसे, ठीक है। फिर इसमें गरम गरम में ही तेज पात, एक तेज पात जो है ना वो टुकड़े करके डाल दो इसमें, 4-5 लहसुन की कलियाँ, एक लौंग, ठीक है, थोड़ी सी दाना मेथी जो आती है ना वो डाल दो इसे इसमें, ठीक है। और फिर थोड़ी देर के लिए रख दो, जब तक ये ठंडा ना हो ना वो सारा सामान उसमें रहने देना। फिर ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए ना, उसके बाद में कोई बोतल में जो है ना इसे भर कर रख लो, ये खराब नहीं होता, और बाद में इसका इस्तेमाल करो गाइस। ये ऑयल कितना अच्छा होता, आपके आपके पैरों से ना पूरी तरीके से दर्द को निकाल देगा, सच में बहुत अच्छा ऑयल है गाइस। मैं अपने माता जी के लिए बनाती हूँ, मुझे पता है कि कितना काम करता है, ऐसे खुद आप कहोगे चमत्कारी ऑयल है, पहले दिन से काम करेगा। तो ये भी अपनी तरफ से कोशिश करके देख लेना, है ना जी। तो हीलिंग भी आ रही है, हेल्थ से संबंधित इशू भी खत्म हो रहे हैं, और ये एकांत प्रिय होने जो आपको पसंद है, या फिर एकांत एकांत में रह रहा हूँ ना, इस चीज़ से भी बाहर आना, घूमना, मेलजोल करना लोगों के साथ, अच्छी एनर्जी से कनेक्शन में आना, ये होने वाला है गाइस। आने वाले समय में आपके लोगों से बातचीत बहुत ज़्यादा होगी गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। भले आप अभी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, लेकिन देखना ये आपकी झिझक दूर हो जाएगी लोगों से बातचीत करने में, आराम से तसल्ली से निश्चिंत होकर बात करना, ये वाले भाव, और खुद हैरान होगे कि अब मुझ में ना वो झिझक नहीं है, झिझक आपसे खत्म हो रही है। कॉन्फिडेंस का बढ़ना गाइस, कॉन्फिडेंस जब अच्छा होता है ना तब यही चीजें होती है। ओके, समाधान अपने आप मिलेंगे, ट्रस्ट रखो। ये देखो ये आपके कर्मा है कि प्रॉब्लम को खत्म करना है, तो गाइडेंस भी कुछ चला कर आएगी, है ना। ये देखो क्लीनिंग टू द पास्ट, क्योंकि इसके लिए समय नहीं मिलना है, कहाँ ना, थोड़ा ट्रस्ट रखो, कुछ चीज़ें बदल रही है, कुछ चीज़ें बदल रही है, लाइफ में बैलेंस आ रहा है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, इस दुख से बाहर निकला जा रहा है, आपके दुख की बाउंड्री को तोड़ा जा रहा है। मास्टर बनो अपनी लाइफ के, खुश रखो, खुश रहने की कोशिश करो, और खुद को संभालने की कोशिश करो, बिल्कुल उस छोटे से बच्चे की तरह जिन्हें हम दुख से दूर रखने की कोशिश करते, बिल्कुल कुछ उसी तरीके से खुद को संभालने की कोशिश करो। और इस समय भी वैसी परिस्थितियों को क्रिएट कर रहा है, बिजी रखो खुद को, और समय भी आपके लिए ऐसी व्यवस्था बना रहा है जहाँ पर आप बिजी रहो। क्लिंग टू द पास्ट, पास्ट को भूल जाओ, जिसने जो करा है क्या नहीं करा है, फॉरगिवनेस वाले भाव लेकर आओ गाइस, है ना। तो खुद चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ कदम बढ़ेंगे आपके। क्या बात है, आज कार्ड खुद आ रहे हैं, स्ट्रेस दूर होने वाला है गाइस, खुशी मना सकते हो। वी आर द वर्ल्ड, चेंज क्यों आ रहा है, पूरी कायनात साथ में है, और पूरी कायनात साथ में होते है, इसका मतलब क्या, बच्चा सही राह पर है। इस वजह से कह रहा है नंबर 3 की एनर्जी का इतना प्रभाव क्यों है, कि बेटा समझो मालिक साथ में है, इसी प्रकार का दुख हावी मत होने दो खुद पर, चेंज की तरफ आगे बढ़ो, और पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होगा ऐसा आपका काम, आपकी फैमिली, आप, है ना। कहाँ ना हेल्थ के इशू बन रहे हैं, कोई दशा माँ दशा का हो सकता है आपके, या कोई जोग संजोग ऐसे बने हुए हैं गाइस, कि पैसा ना इस तरीके से खर्च होना, लेकिन कहाँ ना गाइडेंस खुद मिलेगी गाइस, है ना। और रही बात ऐसा कि ऐसी जगह पर आपका पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा, और आपकी बचत भी होगी और आय में वृद्धि भी होगी, है ना। मतलब पैसा का ठहरना, सफलता की तरफ भी बढ़ना, काम का भी अच्छा चलना, और अच्छे लोगों से सामंजस्य बनना, बातचीत लोगों से होना, है ना। तो सकारात्मकता के रास्ते ओपन हो रहे हैं गाइस, तनाव दूर हो रहे हैं, वो स्थितियां खत्म हो रही है जो तनाव में बांधती है आपको, ऐसे लोग आपके लिए से छूट रहे हैं जो आपको दुख देते हैं, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो परिस्थितियां तो दुख की रही नहीं गाइस। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, क्या सपोर्ट इतना मिलना, क्यों नहीं पास्ट को भूलोगे गाइस, कैसा भी पास्ट रहा, चाहे अच्छा रहा है बुरा रहा है, उस सब चीज को भूलने की कोशिश करोगे, नई राह पर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करोगे, और उतना मालिक का सपोर्ट गाइस हर एक काम में, हर एक एरिया में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। हीलिंग ऐसे ही नहीं कहते, ये हीलिंग केवल एक चीज को लेकर नहीं है, हेल्थ को लेकर ही नहीं है, ये चेंज वो है कि जहां पर हेल्प किसी की भी नहीं मिल रही थी ना, वहां पर यूनिवर्स की, पूरी कायनात की मदद मिलना, जितना ज्यादा दुख आपको लग रहा है ना वो पूरा दुख खत्म ना हो जाए, तो ये कह देना, क्योंकि कहा ना यहाँ पर आपके एकांत प्रिय होने से, या उस चीज में फंसे रह रहे थे ना उससे आपको बाहर निकाला जाएगा,
क्योंकि उस स्थिति में आपको अब रहना ही नहीं है, उसका समय खत्म हुआ गाइस। जितना खुद को टटोलना था, जितना परिस्थितियों को टटोलना था, जितना लोगों के बिहेवियर को भापना था, उतना रेडी आप हो चुके हो, है ना। संसार भर की जानकारी जो है ना आपको चुनिंदा लोगों से ही मिल चुकी है, तो उतना परिपक्व आपका माइंड हो चुका है, तो अब ऐसे कोई सबक शेष नहीं रह गए जो आपको भोगने हैं या जिन्हें समझना है। हो गए सारे सबक, हाथ जोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बदलाव आ रहे हैं, मालिक की हेल्प आ रही है आपको। द लवर्स कार्ड्स खुद आ रहे गाइस आज। किस्मत क्या लेकर आ रहे, भी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सक्सेस की तरफ तो आपकी लाइफ बढ़ ही रही है। तनाव से निजात आपको मिल रही है, शत्रुओं से निजात आपको मिल रही है, लेकिन साथ में कुछ फेटेड ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है गाइस। अनकंडीशनल लव मिलना, मैरिज नहीं हो रही थी तो मैरिज के लिए प्रपोजल आने आपके, और इस काम के बीच में कोई रोड़ा नहीं बनना। अगर आपको यही चिंता सताती है ना कि आपकी खुशी आपको कुछ भी मिलने वाली होती है ना, तो उसके बीच में कोई ना कोई रोड़ा बनने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ मामला खराब करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं होगा, किसी को जो कुछ भी करना है जो करने दो, लेकिन आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी वो चुंबक वाला काम गाइस, वो ऐसा काम करेगा कि खुशी को आपकी लाइफ में आने से रोक ही नहीं पाएंगे कोई भी नहीं गाइस, कोई भी नहीं। जो फेटर खुशी है, ये समय वही लिखा हुआ है गाइस कि उस खुशी का मिल जाना आपको। कहा ना, अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, किसी भी प्रकार की अड़चने आ रही थी ना, अड़चने बाधाएं दूर होने, शत्रु लोग भी दूर होने गाइस, इनका ध्यान भटक जाना कि ये इनका ध्यान ही नहीं जाए आपकी कोई खुशी पर, कि ये खुशी आपको मिल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। और ये भी होगा ना, बड़े अलग तरीके से होगा गाइस, मालिक ने कुछ और सोच रखा है प्रोटेक्शन के साथ, है ना। एक बहुत अच्छी एनर्जी का डिवाइन काउंटर पार्ट का मिल जाना, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो आप, डेफिनेटली हो, इस वजह से इतनी ज़्यादा पीड़ा भोगी है आपने। और ये जोग संजोग तभी बनते हैं गाइस जब लाइफ में किसी प्रकार का टावर मोमेंट देखा हुआ होता है। अब ये क्यों कहा, यहाँ पर स्लोविंग डाउन का कार्ड, चलते चलो, अभी चलते चलो, धीरे धीरे चलते चलो, क्योंकि चेंज आएगा, क्योंकि टावर मोमेंट आपने भोग लिया है और दिमाग उतना साथ नहीं दे रहा, उस स्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्या कहा जाता है, गोइंग विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दो, आपको समझ में नहीं आ रहा, परिस्थितियां संभाल लेगी आपको। हीलिंग का कार्ड, कि जिस टावर मोमेंट को भोग कर आए हो, उसके घाव को दूर करना, आपको हील करना, आप उदासी में या हर्मिट वाले मोड में उससे आपको बाहर लेकर आना, आपके पास्ट को क्लीन कर देना, भुला देना आपको कि क्या हुआ था आपकी लाइफ में, क्या नहीं हुआ था, पूरी तरीके से भूल जाना, और सपोर्ट मालिक का फील करना, एहसास होना, और वो ब्लेसिंग मिलना जिसके आप हकदार हो। ये एनर्जी आपको मिरर करेगी गाइस, डेफिनेटली मिरर एनर्जी भी नज़र आ रही है आपको, 10-10 नंबर नज़र आ रहे हैं। ये विक्ट्री है आपकी लाइफ की गाइस, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, वो खुशी आपको मिलेगी ना, ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, और उसी के लिए ना ये चीज़ें क्रिएट की जा रही है, क्योंकि इस खुशी को आप तक पहुंचने में जितनी नकारात्मकता का जोर है ना, वो पूरा चल रहा है। और ये बात तो है गाइस, ये तो बात है कि जिसके भाग्य में मालिक ने कुछ लिख दिया है ना, फिर पूरी कायनात है ना उसे वो खुशी देने में ना विवश हो जाती है, पूरी कायनात कोशिश करती है कि वो खुशी उस बच्चे को मिले ही मिले, क्योंकि ये फेटेड ही आपके भाग्य के हैं, ये आपके कर्मों का लेखा जोखा है ना, और इसमें किसी को बाधा उत्पन्न करने ही नहीं देंगे। चिंता मत करो, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। अगर शादी के बारे में सोच रहे हो तो शादी, है ना, या कैरियर को लेकर सोच रहे हो तो कैरियर को लेकर, जो भी आपकी स्थिति है उस स्थिति के आधार पर समझने की कोशिश करना, किस प्रकार से आपको हीलिंग मिल सकती है उसे समझने की कोशिश करना। जो आप चाहते हो वही खुशी आपको मिलने वाली है, और वही आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस। डेस्टिनी ने आपके लिए ये सोच रखा है। लेट गो, जस्ट अभी कहाँ है कि लेट गो और एडवेंचर लो, क्योंकि ब्रेक थ्रू बनने वाला है गाइस।
ऐसे असंभव भी संभव होने वाले हैं क्योंकि आपने टॉवर मोमेंट देख लिया है। अबंडेंस किस प्रकार से आपकी लाइफ में आती है, माइंड के सारे खेल चाहे किसी ने आपके लिए खेले हैं वो सबक आपने सीख लिया। जस्ट अभी कहा था कि उतनी मैच्योरिटी आ गई क्योंकि उतनी अवेकनिंग आपकी लाइफ में हो चुकी है। ये अवेकनिंग का कार्ड है, यहाँ से लाइफ टर्न होती है गाइस। तो देख लो टावर मूवमेंट, पहेलियों का सुलझना, अवेकन होना, ये सारी चीज़ें क्रम में चल रही है गाइस। पक्का कह सकती हूँ कि टावर मूवमेंट आपने भोग लिया है क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू और ये वाला कार्ड लास्ट में आने का मतलब ही यही है कि किसी ने वो सबक ले लिया जो टावर मूवमेंट देना चाहता था और ये लास्ट का था। क्योंकि उसके बाद में अगर चेंज और लेट गो का कार्ड, गो विद द फ्लो का कार्ड, क्लिंग टू द पास्ट का कार्ड और ये करेज का कार्ड आ रहा है। और अगर आपकी एनर्जी ये एडवेंचर वाली हो गई है तब तो दुख खत्म है, तब तो बोलकर भी सोचना ही नहीं कि आपकी लाइफ में किसी प्रकार का दुख चल रहा है या कभी भविष्य में आएगा। क्योंकि उस स्थिति से आपको बाहर निकला जा रहा है, वो स्थिति आपके लायक नहीं है या आप वो स्थिति को डिजर्व नहीं करते। ये असंभव सा संभव, अभी कुछ भी नहीं लग रहा। कैरियर की बात आ रही है यहाँ पर कि कैरियर में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, ब्रेक थ्रू बनेगा देखना। इम्पॉसिबल जहाँ से लग रहा है ना वहाँ पर पॉसिबल होगा देखना। आप क्या करते हो वो देखना, एडवेंचर के रूप में लोगे और बहुत कुछ हासिल करके दिखाओगे गाइस। आपकी पहचान बनेगी, आप स्टार बनोगे देखना, है ना। लोग आपके नाम से जानेंगे आपको, कितनी बड़ी सक्सेस मिलती, कितना आपकी फैमिली आप पर गौरवान्वित फील करती, कितनी बड़ी उपलब्धि से आपको समय नवाजता है वो देखना। ये ना दुख आपके लिए किक का काम कर रहा है, रियली गाइस। इस वजह से कहते हैं ना कभी कोई स्थिति बनती है ना तो परेशान नहीं होती, एक बार ठहरो, सोचो, विचलित होना है हो जाओ, 2-4 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ, लेकिन खुद को हील करने की कोशिश पर जुट जाना चाहिए गाइस। समय का काम है परिवर्तन, है ना। प्रैक्टिकल होना चाहिए कभी ऐसे मामलों पर, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशनल है अच्छी अच्छी बात है गाइस, लेकिन कभी भी ना अपने जज्बातों पर ना खुद हावी होना पड़ता है। और वहां पर यही कहा जा रहा है कि एक जीत तो आप अपने लिए तैयार कर रहे हो और वो लेकर आती है ब्रेक थ्रू। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, मेरे शब्दों में नहीं आ रहा, मेरे समझाने में नहीं आ रहा, बट अगर मेरे भाव को आप समझ पाओ तो सच में आपकी लाइफ का हिस्सा किस्सा बिल्कुल कुछ अलग ही है। आप बहुत बड़ी पहचान बनाओगे गाइस और बकायदा आप कहोगे, अपनी स्टोरी सुनाओगे, मैंने लाइफ में ये चीजें सहन करी, और कोई आपका बिलीव नहीं करेगा क्योंकि आपके चेहरे पर वो नूर, वो आभा होनी गाइस। तो लोगों को लगेगा कि इतनी चमक किसी के चेहरे पर नहीं होती अगर कि कोई इतना दुख झेल कर आए। और एक और उल्टी चीज होगी आपके साथ, जैसे समय दर समय ना कुछ लोगों के ना चेहरे का नूर बढ़ने लगता है, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। जैसे जैसे एज आती है ना सुंदरता में वृद्धि होना, आकर्षण क्षमता में वृद्धि होना, प्लीज इसे गलत वे में नहीं समझना। ये जब भाग्य हमारे अनुरूप आता है ना, भाग्य का पहिया हमारी तरफ घूमता है ना, ये चीजें बदलती है गाइस। ये आकर्षण लेकर आती है, ये कैरियर में भी उछाल लेकर आती है, ये पर्सनल लाइफ में भी आकर्षण लेकर आती है कि आपकी व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हो जाए, आपका शुक्र बलवान हो जाता है गाइस। सुख समृद्धि में किसी प्रकार की कोई कमी ना होना, ऐसे इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाना जो यदा कदा कभी कभी इम्पॉसिबल लगती है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं है, चीजें तो हो ही नहीं सकती लाइफ में, इस जन्म में तो कभी नहीं हो सकती, उसी जन्म में, और कुछ ही समय बाद में आपको बता दिया जाता है कि ये लो आपके लाइफ में ये चीज हुई है अच्छी। ये परिवर्तन आपकी लाइफ में बन रहा है, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन एक ब्रेक थ्रू के रूप में आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। कोई राजयोग, कोई बड़े संयोग से कम नहीं है गाइस। 4, 5, 6, 1, 2, 3, ऐसे क्रम में नंबर नजर आ रहे हैं ना। धन्यवाद करो मालिक को, ऐसा मालिक का सपोर्ट मिलेगा कि क्या आपकी लाइफ उछाल मारती है, तरक्की कितनी मिलती है वो देखना। तो खुद भी हैरान होने वाले हो गाइस, और अपनी लाइफ से ना, और अपनी लाइफ के इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोगों को भी हैरान करने वाले हो। मैं कुछ और चांस लेकर भी देखूं कि कौन से बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं, इनकी कंफर्मेशन के लिए गाइस, है ना जी। सबसे पहला तो ये कि आपके अच्छे कर्म इस प्रकार के रहे हैं, पूर्व जन्म के कर्म आपके इस प्रकार से आड़े आए हैं
स्टॉपर मोमेंट को आपकी लाइफ से खदेड़ दिया है, भगा दिया है गाइस, ठीक है। और इसके बाद में ही गाइस लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और चेंज की तरफ लाइफ आगे बढ़ती है और हीलिंग आती है, वरना पहले नहीं आती गाइस। तो ये प्रोसेस आपकी लाइफ में हो चुका है, कोई दर्द आपने बुरी तरीके का भोग लिया है, क्योंकि ये अपनी पराकाष्ठा को बता रहा है और ब्रेक थ्रू अपनी पराकाष्ठा को बता रहा है कि इसने जितनी भी लाइफ में बाधाएं क्रिएट करनी थी ना कर ली, लेकिन समय और आपके अच्छे कर्म ऐसे इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर रहा है जो लगभग लगभग इम्पॉसिबल ही थे गाइस, असंभव ही थे, वो भी संभव हो रहे हैं। तो ये आपके अच्छे कर्मों के फ्रूट्स हैं जो आपकी लाइफ से ना डेंजर को, परेशानियों को ख़त्म कर रहे हैं, आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं प्यार, अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल लव, जो यहाँ पर भी आया है ना कि शादी आपके लिए आ रही है। अगर आप अपने हिसाब से देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से, तो शुभ काज होते हुए नजर आ रहे हैं, दिव्य शक्तियों की ब्लैसिंग आपको मिल रही है, आशीषें आपको मिल रही है, उनका पूरा सपोर्ट, वो आपको यही बता रहे हैं कि पूरी तरीके से वो आपके साथ हैं। ये देखो, तो चिंता मत करो, डिवाइन पावर है गाइस, कोई आपको संभाल रहे हैं, एनी टाइम आपको संभालो, आपको आभास भी होता है कोई मेरे साथ है तो सही, जो मेरे हर दर्द में मेरे साथ है, मेरे दर्द को दूर करने में, बांटने में मेरी मदद करते हैं, और ये कृपा है जी आप पर, किसी की कृपा तो है, ये हाथ है उनका, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो कह रहे हैं वो संभाल रहे हैं, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, किसी भी प्रकार की चिंता में नहीं रहना, है ना। उनको अच्छा नहीं लगता कि वो साथ में होने के बाद में भी आप दर्द में रहो, ये उनको पसंद नहीं आता। ये देखो यहाँ पर भी कछुआ, और ये कार्ड भी कछुए के बारे में बात करता है, धीरे धीरे बदल रहा है समय, और बदलते बदलते ऐसे सडन अचानक इतना फास्ट गति से बदलेगा, चकित रह जाओगे। तो उस पल का इंतजार करो, और इंतजार भी नहीं है, उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है आपकी लाइफ जहां पर ब्रेक थ्रू बनता ही बनता है ना। यूनिकॉर्न की एनर्जी, ये बिग सक्सेस के बारे में बात करती है, और ये कहती है अगर ये लाइफ में आ गई ना सक्सेस, ये ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट बन गया ना, तो पूरी तरीके से संघर्ष खत्म होंगे, देख लेना। और ये देखो, ये यहाँ पर चाम, ये संघर्ष का ही है कि ये संघर्ष खत्म हो रहे हैं, और ये ब्लेसिंग आने से संघर्ष खत्म ना हो ऐसे कैसे हो सकता है गाइस। ओह माय गॉड, एक नहीं दो दो चाम आए हैं जो ब्रेक थ्रू के बारे में, और यहाँ पर ब्रेक थ्रू का ही कार्ड है कि सक्सेस बड़े उच्च लेवल की मिलना, सफलता बड़ी शानदार मिलना, उसके बारे में बात कही जा रही है। अभी रिलैक्स होने की कोशिश करो, अपने मनपसंद गाने सुनो, एंजॉय करने की कोशिश करो, खुद का ध्यान भटकाने की कोशिश करो, ये वाले मोमेंट में नहीं रहना है, ऐसे स्थिति में नहीं रहना है, अलोन अलोन रहना या लोगों से, वो या भी आपके अपने हैं ना उनसे दूर दूर नहीं रहना गाइस, है ना। प्यार को समझना, भावों को समझना, आपका कोई अच्छा मित्र, उनसे बातचीत करो, जैसा आपका मन खुश रहे ना, वैसे थोड़ी सी अभी इतनी सी कह सकते हैं ना हेल्प खुद की करने की कोशिश करो। कछुआ दो आया, ये भी बात करता है अबंडेंस की गाइस, ये बहुत बड़ी अबंडेंस के बारे में बात करता है, ये पैसे, धन का आगमन, शुभता का आगमन, खुशियों का आगमन, शुभ काज होने, इन सब के बारे में है कि अब वो रास्ते ओपन हो रहे हैं, और वो रास्ते बन रहे हैं गाइस, उन रास्तों पर से कहते हैं ना बाधाएं दूर हो रही है, जो आपके मार्ग में खुशी के बीच में आते हैं, है ना, वो चीज़ें हट रही है गाइस। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, ऐसा छोटा सा समाधान मिलेगा गाइस, आपको लगेगा ये क्या है, इससे क्या मेरी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, बकायदा वही समस्या का समाधान देखना आपकी लाइफ की भयंकर नकारात्मकता को, है ना, एक नहीं कई सारी नकारात्मकता को निकालने में काम करेगा। कभी कभी छोटा समाधान ना बड़ा तगड़ा और धमाकेदार होता है, ये कुछ वैसा ही होगा। म्यूजिक के बारे में दो चांस आए हैं गाइस, म्यूजिक में अगर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए मदद आपके पास खुद आएगी चलाकर, और ये इसको फ्यूचर बनाना चाहते हो तो ट्राई करो, बढ़ो आगे, रुकना नहीं है, है ना। ये गुड न्यूज़, किसी प्रकार की कोई गुड न्यूज़ के मिलने की संभावनाओं के बारे में बताया जा रहा है। मोरपंख है जो यही कहता है कि ब्लेसिंग और खुशी बहुत जल्द आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की ही रीडिंग कर रहे हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है कि बड़ा सुखद, जो दिल को प्रसन्न कर दे, है ना, जो सफलता के रास्ते ओपन कर दें, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपकी पहचान बनाए, जहाँ पर आज लोग भले आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में लोग आपको पहचानेंगे, आपके नाम से पहचानेंगे, और लोग
आपसे ना आपके नाम से जुड़ना पसंद करेंगे गाइस, ये कहेंगे कि ये तो ये मेरे हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं या ऐसा कुछ, मतलब आपके नाम से जुड़कर अपनी पहचान बताने की कोशिश करेंगे। ये बड़े गर्व करने वाली बात होती है। ये देखो ताला और अभी चाबी भी मिल गई कि हर ताले की हर पहेलियों का सुलझान मिलने वाला है, समस्या खत्म होने वाली है। इतनी बड़ी सक्सेस गाइस, इतनी बड़ी सक्सेस, भारी भरकम सक्सेस कहते हैं ना कुछ वैसा, कि मतलब कभी भी उसका प्रभाव खत्म ना हो, सॉरी कभी भी उसका प्रभाव खत्म ना हो, इतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी गाइस। अनकंडीशनल लव गाइस, देखो देरी से मिल रहा है पर बहुत बेस्ट मिल रहा है, बहुत बेस्ट गाइस। प्यार हो, शादी हो, आपकी करियर को लेकर हो, मतलब बहुत अच्छा मिलने वाला है गाइस। आपका भाग्य ना आपको बेस्ट ही लाकर देता है, ये उसके बारे में है। और ये एक पतझड़ के बाद में वापस से अपन अपना हरियाली आना, है ना, ग्रोथ मिलना, इन सब चीज़ों के बारे में कहता है गाइस, कि वो दुख भरे समय खत्म हुआ, अब लाइफ में अच्छा होने जा रहा है। ठीक है ना जी, तो खुश रहना, संघर्ष का समय खत्म हुआ, लाइफ में अच्छा होने की तरफ लाइफ आगे बढ़ रही है, ब्रेक थ्रू के पॉइंट लाइफ में बन रहे हैं, मोमेंट्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल सकारात्मक रहना और ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में आकर्षित करना गाइस, है ना, खुशियों के चुंबक बने हुए रहना और ऐसी सकारात्मकता को इनवाइट करो अपनी लाइफ में अपनी पॉजिटिविटी से। ठीक है ना जी, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।